हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन देता हूं। आप लोगों को, आप लोग स्कूल में भी सीख चुके हो, 13वीं क्लास में भी पढ़ते हो, सब कुछ करते हो। तो बच्चों, क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ये है बच्चों, एक्स स्क्वायर डी ऑफ एल एन एक्स और ये है 1 से 2। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ये जो नीचे वाली लिमिट होती है उसको हम लोअर लिमिट कहते हैं और ऊपर वाली लिमिट को अपर लिमिट कहते हैं। ऐश्वर्या, इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? एक्स स्क्वायर इंटू डी ऑफ एल एन एक्स इक्वल टू 1 से 2, हाउ वी कैन सॉल्व इट? बच्चे कुछ जवाब दे रहे हैं, सर जी आया एक्स स्क्वायर और एल एन एक्स का होता है 1/x इंटू डी एक्स, 1 से 2, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया और जी x आया और सर x की इंटीग्रेशन हमने कर दी और x की इंटीग्रेशन कर दी एक्स स्क्वायर बाई 2 और जी हमारा 1 से 2 है, 1/2 बाहर और जी आ गया 4 - 1 और आंसर आ गया हमारा 3/2। तो बच्चों, ये जो बच्चे जो आंसर कर रहे हैं 3/2, दे आर राइट और रॉन्ग? बताओ ठीक है या गलत है? देखो बच्चों, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये जो है एब्सोल्युटली रॉन्ग। अब आप भी अपनी वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन के बारे में सोचिए कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो सकता है, कैसे हो सकता है, क्या इसके अंदर सोचा जा सकता है और क्या नहीं सोचा जा सकता। तो बच्चे कह रहे हैं इसमें तो सर कुछ गलत नहीं है, सब कुछ ठीक है। बच्चों देखो, एक होता है इंटीग्रेटिंग वेरिएबल, और इंटीग्रेटिंग वेरिएबल का मतलब क्या है? ये जो ऑपरेटर है, डिफरेंशियल है, वही सारा का सारा रोल जो है प्ले करता है। यहाँ पर मानसी 1 से 2 है और ये 1 से 2 किसका है बच्चों? एल एन एक्स का है। किसका है? एल एन एक्स का। तो अब जो इसको हम कर रहे हैं तो ये 1 और 2 किसके अकॉर्डिंग है? एल एन एक्स के बराबर है, इंटीग्रेटिंग वेरिएबल। ये जो आपका एक्सटर्नल नहीं है, ये जो है एल एन एक्स इंटीग्रेटिंग वेरिएबल है। तो अब इसके अंदर एक्स स्क्वायर इंटू 1/x इंटू डी एक्स और यहाँ पर आपने एल एन एक्स जब 1 है तो एल एन एक्स 1 कहाँ पर होता है बच्चों? लॉग ई पर होता है या एल एन ई पर होता है। तो x क्या आ गया बच्चों? ई आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आने वाला है? ई आने वाला है। दूसरा, एल एन एक्स आपका किसके इक्वल था? 2 के इक्वल। तो एल एन एक्स 2 जो है, अब आप इसको कैसे लिख सकते हो? एल एन ई टू पावर 2 लिख सकते हो और इधर एल एन एक्स है तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया? ई स्क्वायर। तो इसका मतलब अब अपर लिमिट क्या बन गई आप लोगों की? ई स्क्वायर बन गई। तो इसको मैं रेड पेन ले लेता हूँ। अब बच्चों, इससे ये कैंसिल हो गया 2 और ई से ई स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 1/2 बाहर, ई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर और ये आंसर आया ई टू द पावर 4 - ई स्क्वायर / 2। दिस इज योर राइट आंसर। ये क्या बच्चों? बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर आपको इंटीग्रेटिंग वेरिएबल के बारे में पता होना चाहिए। अब बच्चों, एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं आप लोगों को। ये बच्चों, सीकेंस स्क्वायर एक्स डी ऑफ टेन एक्स और यहाँ पर एक्स इक्वल टू 0 से π/4 दे रखा है। अब बताओ, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? वेरी गुड। अब बच्चे की बात में कुछ समझ आ गया। अब बच्चे कह रहे हैं सर, यहाँ पर x इक्वल टू 0 से π/4 दे रखा है, यहाँ पर जो इंटरनल वेरिएबल है वो x इक्वल टू 0 से π/4 है, वो ये नहीं है, tan x नहीं है। अब यहाँ पर मेंशन कर रखा है, तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बच्चों? यहाँ पर आप tan x कर दो, ज़्यादा बेटर है। तो ये आ गया tan x और ये आ गया tan x और ये क्या हो जाएगा आपका? सीकेंस स्क्वायर x इंटू डी एक्स और 0 से π/4, एक्स इक्वल टू 0 था। तो टेन एक्स को आपने क्या सब्स्टिट्यूट किया बच्चों? जेड। तो यहाँ पर एक्स है तो डी जेड क्या आ गया बच्चों? सीकेंस स्क्वायर एक्स और डिफरेंशियल आ गया सीकेंस स्क्वायर एक्स डी एक्स और ये जेड डी जेड। अब आपका यहाँ एक टेबल देते हैं तो एक्स आपका 0 और ये π/4 है तो ये क्या होगा? 1। तो 0 से 1 हो गया।
तो अब ऐश्वर्या क्या हो जाएगा, जेड स्क्वेयर बाई टू। तो जैसे जैसे लिमिट चेंज करते हैं वेरिएबल भी क्या हो जाता है, वेरिएबल जब चेंज करते हैं तो लिमिट भी चेंज हो जाती है। तो ये आपकी 7.10 एक्सरसाइज जो है जिसके अंदर ये सब क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा 1/2 और साथ में क्या लिखते हैं, स्क्वेयर यूनिट। एक क्वेश्चन और देते हैं बच्चों आप लोगों को, और बिल्कुल बिना सॉल्व किए इसका आंसर बताइए। देते हैं इंटीग्रल वन, साइन टू द पावर 5x dx। ऑप्शन है कि I1 इक्वल टू I2 होगा, या I1 ग्रेटर देन I2 होगा, या I1 इज लेस देन I2 होगा, या नन ऑफ दिस होगा। तो अब अपनी वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन के बारे में सोचिए और मुझे आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। बताओ मानसी, इसका आंसर क्या हो सकता है, कैसे सोच सकते हो इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में? अब बच्चों ने सोचना शुरू किया, इसको मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ ताकि आप लोगों को पता रहे। साइन क्यूब एक्स है 0 से π/2 और I2 आपका ये है। बच्चे सोचते हैं कि इसे हम सर ने ब्रह्मास्त्र 3 दे रखा है उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं। साइन क्यूब एक्स डी एक्स है, साइन टू पावर 5x डी एक्स है, तो ये ओड पावर है, तो ओड पावर है तो कोस एक्स को टी पुट करते हैं और लिमिट लगा कर इसको फिर हम हल करते हैं और उसके बाद हमारा आंसर आएगा। उसी तरह साइन टू पावर 5x भी यूज़ करते हैं। लेकिन बच्चों कॉम्पिटिशन के अंदर ये जो क्वेश्चन है इसके लिए ना तो आपके पास टाइम होता है ना पेपर होता है कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है विद इन सेकेंड देना होता है। कैसे देंगे? अब देखो बच्चों, आप लोगों को फ्रैक्शन के बारे में मालूम है, फ्रैक्शन ये जो है 0 और साइन एक्स जो है बच्चों की वैल्यू आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था, साइन एक्स 0 की वैल्यू कहती है 0 और π/2 की वैल्यू कहती है 1। तो इसका मतलब ये जो है फ्रैक्शन है और किसके बीच में जा रही है, 0 और 1 के बीच में। ये भी यहाँ पर भी वैल्यू π/2, ये भी क्या बच्चों, फ्रैक्शन है। यदि फ्रैक्शन को मैं होल क्यूब करूँ और फ्रैक्शन को होल टू द पावर 5 करूं तो कौन सा ज़्यादा आता बच्चों? तो ऑब्वियस है, तो ये क्या आएगा, 1/2 का होल क्यूब क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, वो क्या आएगा, कम। तो इसका मतलब ये जो ऑप्शन है हमारी I1 इज ग्रेटर देन I2 आएगी। आप इसे चाहे सॉल्व करके देख लो, कैसे भी देख लो। ये कैसे पता चला बच्चों हमें, जब हम साइन एक्स का हैं तो आप लोगों को अच्छी तरह मालूम है ये आपका 1 है, तो I1 जो है हमेशा ग्रेटर आएगा। तो फ्रैक्शन सपोज मैंने 1/2 ले लिया तो 1/2 का होल क्यूब कर लो, चाहे 1/2 होल टू पावर 5 कर लो। और ये क्या था बच्चों, 0 से π/2 उसके बीच में ही था, तो इसको कर सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है। अब इसको आप इस बात से भी सीख सकते हो कि यदि आप अपने बर्थडे पे सारी दुनिया को बुलाना चाहते हो तो आपको एक कंडीशन रखनी पड़ेगी, और वो क्या रखनी पड़ेगी, जो आपका पहला फ्रेंड आएगा आपका जो भी केक है उसका हाफ दोगे, जो भी आपके पास केक बचता जाएगा उसका हाफ देते जाओगे। दूसरा फ्रेंड आएगा उसको क्या मिलेगा, 1/4। तीसरा फ्रेंड आएगा उसको क्या मिलेगा, 1/8। अब बचा ही आपके पास कितना है, 1/8, तो 1/8 का हाफ करोगे तो क्या आएगा, 1/16। उसके बाद आगे जाओगे तो कितना मिलेगा, 1/16, 1/32, 1/64। तो जो इस तरह आप अपने सारी दुनिया के फ्रेंड्स को बुला सकते हो और आपका केक ख़त्म होने वाला नहीं, यदि आपकी कंडीशन है कि जो आपके पास बचा हुआ है उसका क्या देना है, हाफ। तो फ्रैक्शन इस तरह का रोल प्ले करती है। अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन और मैं देता हूँ। अब बच्चों ने, अब आप लोगों के पास I1 जो है अब आपका है π/4 से π/2। यहाँ पर बच्चों tan क्यू भी है, और दूसरा I2 जो है वो भी आपका π/4 से π/2 है, और यहाँ पर भी tan टू द पावर 5x है। और ये सेकंड क्वेश्चन है आप लोगों का और ऑप्शन चारों यही हैं। तो अब आपने मुझे आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या है। और जहाँ पर मैंने आपको डेफिनेट इंट्रोड्यूस किया था, मैं इसकी तरफ टेंड कर रही है, लेफ्ट की तरफ टेंड नहीं कर रही। 0 से π/2 का मतलब कहता है राइट की तरफ। यदि ये दो कंडीशन होती हैं तो एल्जेब्रिक एरिया ऊपर वाली साइड में हमेशा क्या था, पॉजिटिव।
तो यहाँ पर साइन क्यूब एक्स जो है ऊपर ही रहने वाला है, साइन टू पावर फाइव एक्स भी ऊपर रहने वाला था, तो ये आपने ध्यान रखना है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर टू, अब इसको देखते हैं कौन बच्चे सकते हैं, और फिर अपनी वीडियो को पॉज करो और सोचो कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे। अब बताओ बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसको मैं रेड पेन से कर देता हूँ। अब बच्चों पाई बाई फोर से पाई बाई टू है। अब ये बताओ बच्चों, आप लोगों ने टेंथ क्लास की हुई है, तो पाई बाई फोर पर टेन की वैल्यू क्या होती है, वन, और पाई बाई टू पर वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी। अब ये फ्रैक्शन नहीं है, अब ये फ्रैक्शन नहीं है, और पहला रूल इस क्वाड्रेंट में क्या है बच्चों, पॉजिटिव है। क्या इस क्वाड्रेंट में क्या है बच्चों, पॉजिटिव। ये बच्चों पाई बाई फोर है, और इधर क्या है बच्चों, पाई बाई टू। इधर क्या है, पाई बाई टू। और बच्चे अब कह रहे हैं जी पाई बाई टू पे तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होता, वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो इसे आप लिमिट ले सकते हो निकालने के लिए, और वहाँ पे लिमिट जो है आपको लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी पड़ेगी, यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी पड़ेगी। लेकिन मेन बात आपने सिर्फ और सिर्फ ये बताना है कि आई वन आई टू से बड़ा होगा, या आई टू ग्रेटर देन आई वन होगा, या आई वन इक्वल टू आई टू होगा, या नन ऑफ दिस होगा। ये चार ऑप्शन में से आपने आंसर करना है। तो ये फ्रैक्शन नहीं है, तो अब तो बच्चों आंसर कर सकते हो फटाफट। तो बच्चे कह रहे हैं सर इन दोनों में से कोई ऑप्शन होगी। अब बच्चों यहाँ पर जो ऑप्शन होगी वो क्या होगी, आई टू इज ग्रेटर देन आई वन। ये बात समझ आई, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि बच्चों ये एल्जेब्रिक सम है, पहली बात तो ये अबव एक्स एक्सिस है, और लिमिट जो है वो आपकी कहाँ की तरफ जा रही है, राइट की तरफ जा रही है। कहाँ जा रही है, राइट की तरफ जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला आंसर जो है ज़्यादा आता है, ये वाला आंसर उससे कम आएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप उस कंटिन्यूटी वगैरह के चक्कर में मत पड़ो कि यहाँ पर नहीं है, तो वो हम यहाँ पर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट ले के उसको हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और आप लोगों के लिए लाते हैं, और अब देखते हैं अब कौन उसका आंसर करता है। क्वेश्चन नंबर थ्री। अब बच्चों क्वेश्चन है आपके पास पाई बाई से पाई बाई टू, और अब इसका आपने जवाब देना है पाई बाई थ्री से पाई बाई टू, और ये आपका आई वन है, और ये आपका कोस क्यूब एक्स है। क्या बच्चों, कोस क्यूब एक्स है। और दूसरा जो है आपका पाई बाई टू से पाई, पाई बाई टू से पाई, और यहाँ पर बच्चों कोस टू द पावर फाइव एक्स। यहाँ पर भी आप लोगों के लिए ऑप्शंस हैं, आई वन इज ग्रेटर देन आई टू, आई टू इज ग्रेटर देन आई वन, आई वन इक्वल टू आई टू, और एक ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो ऐश्वर्या बताओ तो कैसे सॉल्व कर सकते हो, कैसे आंसर कर सकते हो, कैसे होगा। अब आपको जितना भी मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, ये देखो पहली बात तो ये कि ये कोस क्यूब एक्स है, ये पाई बाई थ्री से पाई बाई टू है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, हाँ जी ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड में। और अब आप लोगों को ग्राफ दिखा हुआ है आप लोगों ने इसका, कोस एक्स का, कोस एक्स का ग्राफ इस तरह होता है, लेकिन कोस क्यूब एक्स का, कोस फाइव एक्स का नहीं है। अब ये पाई बाई थ्री से पाई बाई टू और अब एक्स एक्सिस है, और अगला क्या है पाई बाई टू से पाई, ये भी राइट की तरफ जा रही है, लेकिन एरिया तो इक्वल हो सकता है किसी भी तरह से, लेकिन यहाँ पर ये जो बात हो रही है वो किसकी बात हो रही है, एल्जेब्रिक एरिया की बात हो रही है। तो ये पक्की बात है कि ये वाला कहाँ आ रहा है, क्या आ रहा है, बिलो एक्स एक्सिस आ रहा है, और ये कह रहा है अबव एक्स एक्सिस, तो अबव एक्स एक्सिस तो एल्जेब्रिक एरिया क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और बिलो एक्स एक्सिस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर कौन सी ऑप्शन ठीक होने वाली है, आई वन इज ग्रेटर देन आई टू, इस तरह आपका आंसर होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।